संघर्ष नियम। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। इस वक्त मैं वैष्णो सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप पर पहुंचा हूं अलाईपुरा। अभी यहां पे कि एक व्यक्ति ने पेट्रोल डलाया और उस पेट्रोल में चोरी हुआ है। किस तरह से चोरी हुआ है खुद बताएंगे। ये बनारस में बनारस सिटी के अंदर इस तरह से घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार वीडियो वायरल होता रहता है जिसमें चोरी का इस तरह से खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाता है। अभी हमारे सामने भुक्तभोगी हैं। क्या नाम है आपका? शाहिद अंसारी। ये बताइए कि अभी आपने बताया कि आपका पेट्रोल चोरी हुआ है, कैसे? ऐसा था कि अभी हमने लड़के को, भतीजे को अपने पेट्रोल लेने के लिए भेजा, तो 500 का इसने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। तो उसने 0-0 करने के लिए बोला, लेकिन 0-0 करते चक्कर में उसने जो है पंप को चालू कर दिया, बोले 0 कर दिया है। तो हमको शक हुआ, तो हम जो है घर पे अपना टैंक से पूरा तेल गाड़ी का पूरा खाली करके 5 लीटर के गैलन में तेल को नाप दिया हमने, तो तेल जो है 40 लीटर निकला। हम तुरंत उसके टैंक पर लेके आए, जिन्होंने शिकायत किया तो इन्होंने कहा कि जो है तेल तो सही है, ये है वो है। उसके बाद कहते कहते इन्होंने टैंक में जो है 100 रुपये का तेल इन्होंने फिर बढ़ा दिया। 100 रुपये का तेल इन्होंने फिर बढ़ा दिया, मतलब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चोरी किए थे। चाहे लापरवाही उनकी थी या चोरी थी, लेकिन चोरी किया गया था। तो ये बताइए, इसमें 500 रुपये का आपको बिल भी दिया गया है? 500 का बिल भी दिया गया था, लेकिन तेल कम था। फिर बाद में इन्होंने 100 रुपये का तेल गाड़ी में और डाला। तो आपने मैनेजर से शिकायत नहीं किया इसका? यहाँ पे मैनेजर नहीं है, हमने DSO साहब को फोन किया था और DSO साहब ने कहा कि कोई स्टाफ से बात करे, कोई स्टाफ बात करने तैयार नहीं था। अच्छा, स्टाफ बात करने तैयार नहीं है। तो अभी जिस कर्मचारी ने पेट्रोल आपका कम भरा है वो कर्मचारी आप मौजूद है? नहीं, वो कर्मचारी भी मौजूद नहीं, यहाँ पे हटा दिया गया है। तो भाग गया है? हाँ, भाग गया। तो ये बताइए कि जब आप पेट्रोल नापे तो आपको चोरी का एहसास हो गया था कि चोरी हुआ है? तो जब उसने 1 लीटर दिया तो मतलब जाहिर सी बात है चोरी किया था, तभी 1 लीटर वापस आपको दिया है? गलती किया तभी उसने दिया है तेल। तो DSO साहब ने जिस प्रक्रिया को कहा था उस प्रक्रिया को अपने अपनाया था? DSO साहब ने बताया कि जो है उनका 5 लीटर का माप होता है, उसको लेकर आप तेल नापिए। तो उसको लेकर हमने तेल नापा, लेकिन तेल का नाप सही था, लेकिन वो मीटर में कुछ गड़बड़ी करके तेल को जो उसने कम दिया था। तो तेल मीटर से? तेल मीटर। तो फिर DSO साहब ने आपने कंप्लेन किया, यहाँ के मैनेजर से कंप्लेन किए थे? यहाँ मैनेजर है, इनका मोबाइल मिला है, इनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। तो ये पहली बार की घटना है कि इसके पहले भी घटना हो चुकी है? नहीं, ये तो अभी हमारे साथ पहली बार हुई है। और उसके बाद जो है तेल पेट्रोल जो है ये बोतल में नहीं दे रहे थे, तो हमने शक भी हुआ कि क्यों बोतल में नहीं दे रहे, कि नाप के लिए तेल कम, हमको लगता है तेल कम मिल रहा था। अच्छा। तो गाड़ी में तेल डलवाते हैं चलाते हैं, हमको लगता है कि तेल कम मिल रहा था, क्योंकि तेल हम यहीं से लेते हैं, कहीं से लेते नहीं थे। लेकिन अब इस बार घटना होगी तब कौन तेल लेने यहाँ आएगा? मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जिस पेट्रोल पंप पर पहुँचा हूँ, यहाँ पे भाई साहब ने पेट्रोल डाला अपने गाड़ी में 500 रुपये का, और तेल चोरी किया गया था। और उस कर्मचारी ने, पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने दोबारा पेट्रोल देकर ये सिद्ध कर दिया कि 100% चोरी किया गया था। यहाँ पे कर्मचारी मौजूद है, पहले इनसे भी बात कर लिया जाए कि कितनी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। अभी वहाँ पे दोनों कर्मचारी यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ से तुरंत चले गए। आइए अंदर चल के बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह का मैटर हुआ, क्या कहना चाहेंगे। हाँ भैया जी, आप कौन है, क्या नाम है आपका? मोगली नाम है। ये बताइए कि पेट्रोल पंप पे आप यही कर्मचारी हैं? जी। कौन सा पोस्ट है आपका? देखो, संचालन का। संचालन का है। बताइए कि आप ही के पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति आते हैं, आरोप लगा देते हैं कि कम पेट्रोल दिया गया, क्या चोरी हो सकता है कि सबके साथ किया जा रहा हो? नहीं सर, कोई नहीं सर, हम देख लीजिए। लेकिन सब कुछ कर ले, लेकिन उन्होंने जब दोबारा वापिस आया यहाँ पे तो वहाँ पे उनको 1 लीटर फिर से दिया गया, मतलब चोरी हुआ है कि नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। दोबारा दिया गया पूरा, उनके पास फुटेज अच्छा दिया गया है। जबरदस्ती ली है, कहे उधर से हमारा है, उधर से निकाले है, क्या किया है, तो जबरदस्ती ली है। अच्छा, जबरदस्ती ले लेंगे? अरे तो कोई भी जबरदस्ती आके पेट्रोल ले लेगा आपके यहाँ से? बोले है तो भागा क्यों लड़का, जब गलती नहीं? आपका देना मतलब, आपका देना मतलब चोरी को सिद्ध करता है। कौन दिया ये बताओ? वो लड़का दिया है। कहाँ है वो? वैष्णो पेट्रोल पंप पर है। हो सकता है कि यहाँ के मालिक जो हैं कहे हो कि ईमानदारी से तेल देने के लिए, जब उसके कर्मचारी बेईमानी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पेट्रोल पंप के लिए भी प्रश्न चिन्ह बना रहा है। बताइए इस तरह से आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? अभी आने दीजिए, तुरंत पता लग जाएगा। अच्छा ये बताइए, ठीक है वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती लिए, आपका लगता है कि पेट्रोल पंप पर कोई आके जबरदस्ती ले लेगा? नहीं ऐसा कोई नहीं सकता, कोई जबरदस्ती क्यों देगा भाई, अपने पास से देगा कोई? तो जबरदस्ती देना मतलब चोरी को संकेत करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। करता है? बिल्कुल करता है। हो सकता है कि सबके साथ आपके यहाँ पे जितने स्टाफ मौजूद हैं पेट्रोल कर्मचारी, क्यों दिया कैसे दिया उसको आने दीजिए, जो दिया है क्यों दिया कैसे दिया वो बताएगा ना, क्यों दिया कैसे दिया।
कंपैरिजन उसी में उसी मालूम होगा कि कम दिया था, हो सकता है कम दिया 500 मांगे 400 दिया हो, फिर आया 100 रुपये दे दिया हो, सुनने में मिस्टेक हो सकता है, ये भी सकता है। 500 का बिल भी निकाल के दे रहे हैं, कम भी था, पता ही कैसे वहाँ मशीन से बिल नहीं निकला होगा, मशीन से बिल नहीं निकला, बिल यहाँ से ले गए 500 का बिल मांग लिए तो हम तो वहाँ से देख नहीं रहे हैं, तो वहाँ से 500 के रिकॉर्ड काट 300 भरा के 500 बिल मांग रहे, इसमें तो आप भी गलत काम कर रहे हैं। नहीं जैसे हमें नहीं पता कि कस्टमर जैसे आप आए आप पता ना कितना भरा है, कोई बात नहीं है, आपने कहा हमने 500 को लिया, हमने बिल 500 का काट दिया। क्या नाम है आपका? आशु। बताइए कि यहाँ पे पेट्रोल भराने आए थे तो 500 का पेट्रोल भरा आपने, 400 का 4 लीटर पेट्रोल दिया। नहीं भीड़ लगी थी, सुनने में फर्क हो गया होगा हमको, तो पैसे तो आपने 500 रुपया लिया था, 500 का बिल भी सर सुनने में फर्क हो गया था, इन्होंने आए जब ये आए तुरंत मैंने एक्सेप्ट किया उस चीजों को दिया मैं, ऐसा तो है नहीं, और डेली के कस्टमर है, ऐसा नहीं है कि पहली बार भरा रहे हैं, ये वो चीजें किसी के साथ नहीं होगी और ना होता है, अगर होता तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन सबका पेट्रोल डीजल हर चीजें डाली जाती है, कोई गलत नहीं करता यहाँ पे, नहीं भरवाता। भीड़ लगी थी, सुनने में फर्क हो गया होगा, ये चीजें हो गई, मिस्टेक हो गई, उसको मैंने एक्सेप्ट भी मांगा और मैंने माफी भी मांगी सर से, तुरंत माफी मैंने मांगा कि देखिए भैया हो सकता है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन अक्सर वीडियो वायरल होता है जिसमें चोरी की घटनाएं होती है, तो हो सकता है कि आपने इस तरह का घटना किया हो? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं किया मैंने, अगर चोरी की घटना मैं करता तो उस चीजों को मैं मानता नहीं, उस चीजों को मानना ही तो संकेत देता कि आपने चोरी किया। भैया मैं मानता नहीं, और पहली बात इतने ताव से खड़ा नहीं होता, ठीक है, इतने ताव से मैंने खड़ा नहीं होता, यहाँ पे अगर कोई चीजें हुई हैं, ठीक है, उस चीजों को अगर भीड़ लगी थी उसमें इनसे भी पूछ लीजिए आप, भीड़ लगी थी कि नहीं लगी थी, अगर मान लीजिए उसमें कोई अगर हो भी गई मिस्टेक, अगर हो भी गई कोई, तो उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं हो गई। ये बताइए कि 500 का जब पेट्रोल लिए आप लिए हैं तो वहाँ पे आपको देखा गया कि मीटर में शून्य क्लिक करके दिया गया? नहीं नहीं शून्य नहीं क्लिक कर गया, हम इनसे बोले मतलब शून्य नहीं है, ये बोले कि बिना शून्य का कैसे जा सकता है, ये इस तरह से पेट्रोल लेने आप ही आए थे ना? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि भूल है और ये आप चोरी का आरोप लगा रहे हैं, ये भी चीज हम अभी भी बोल रहे हैं कि बिना जीरो का तो चलेगा नहीं, बिना जीरो का तो चलेगा नहीं, ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं तो उस पे मैंने मांगा, मैं ना कि खाली डेली के कस्टमर हैं, इनसे मैंने ये भी चीज जब बोला कि यहीं पे खड़ा करके बाइक निकाल लीजिए तो ये काहे जाके निकाले अपने घर पे, ये भी चीज ये गलत है कि नहीं, आप बताइए ये भी गलत है कि नहीं? ये नहीं बोले गलत, ये गलत बात है, ये चीजें की है यहाँ पे निकाले, हाँ पेट्रोल ये सही है, वहाँ पे निकाल के थोड़ा सा रख ले तो आपका हमेशा 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 के कस्टमर है, इसलिए हम लोग दे दिए। तो अगर जब काउंटिंग होगा, जब काउंटिंग होगा, जब पेट्रोल जब उसकी सेलिंग घटेगी तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी ना? बिल्कुल, वो चीजें समझ में आएगा ना हमारे। अभी इस वक्त हम वैष्णो पेट्रोल पंप अलाईपुरा में पहुंचे हैं, यहाँ पे पेट्रोल भराने आए थे, एक नौजवान युवा आया था, आरोप लगा रहा है कि यहाँ पे पेट्रोल चोरी हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद कर्मचारी है बोला है भूल थी, अगर इनका भूल अगर पेट्रोल वापस अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये चोरी सिद्ध होता है। अब इसकी इन्होंने DSO से बात किया था, अधिकारी से, अधिकारी ने जवाब दिया था, इन्होंने वो प्रोसेस किया, लेकिन इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, आए क्या है, ये चोरी है या गलती है, ये आप तय करेंगे।